संगरूर तो खबर जिथे सिंगू बॉर्डर दे लई कारां दा काफिला रवाना होया। तस्वीरां भी दिखावांगे। एक वड्डा काफिला काफिला कारां दा रवाना होया सिंगू बॉर्डर दे लई। लखा सिधाणा दी अगवाई दे हेठ संगरूर ते दिल्ली जाएगा एक कारां दा काफिला। और दुपहरे 12 बजे संगरूर तो दिल्ली दे लई दुपहरे 12 बजे रवाना होएगा। दस दिए कि कीर्तिपाल साडे नाल जुड़ चुके ने। कीर्ति, जिस तरह की किसान आगुओं के वालों पहले जानकारी दी गई थी कि लखा सिधाणा की अगवाई के हेठ हुण संघर्ष नूं होर तेज किया जाएगा, ये लंबा जो काफिला कारां दा वड्डा काफिला कारां दा लखा सिधाणा की अगवाई के हेठ जो जाएगा दिल्ली के लिए, ये की जानकारी है? कदों जाएगा? कि आज रवाना होएगा या कल या परसों या किस कोई होर दिन जो है इसके लिए तय किया गया? जी दसना चाहांगा, अज संगरूर दे मस्तवाणा साहब गुरुद्वारे तो लखा सिधाणा दा जिहड़ा काफला उह निकल चुक्या गा ते हुण उह भवानीगढ़ दे कोल पहुंच चुका होएगा। ते वीडियो दे विच तुसीं देख सकदे हो लखा सिधाणा ने स्पीच दे विच कहा कि जे मैनूं गिरफ्तार भी कर लिया पुलिस ने तां वी इह संघर्ष किसानां नाल रल के चलाया जावे। जरूर कह सकते हैं संयुक्त मोर्चा ने फैसला लिता सीगा कि लखा सिधाणा नूं नाल लैके हुण जिहड़ा भी प्रोग्राम अगे दा लिखा जाएगा ते लखा सिधाणा नूं नाल रख्या जाएगा। तुसीं देख तस्वीरां दे विच वी देख सकदे हो काफिला जिहड़ा है लखा सिधाणा दा 12-1 वजे जिहड़ा है मसौणा साहब दे विच यूथ ब्रिगेड है जिहड़ी इकट्ठी होनी शुरू हो गई सी ते उस तों बाद जिहड़ा है लखा सिधाणा दा काफिला जिहड़ा चलदा होया इधर पटियाला अंबाला ते पानीपत हुंदा होया सिंघू बॉर्डर ते पहुंचेगा। जी ठीक है। कीते जिस तरह की जानकारी मिल रही है क्योंकि दीप सिद्धू नूं गिरफ्तार करन तों बाद लगातार पुलिस वल्लों लखा सिधाणा की तलाश की जा रही थी, लेकिन हुण लखा सिधाणा की अगवाई के हेठ किसानों का पूरा काफिला दिल्ली के लिए दिल्ली तक जो है पहुंचेगा, रवाना हो चुकिया है दिल्ली तक पहुंचेगा। तो कि लगता है कि गिरफ्तारी हो सकती है? और अगर गिरफ्तारी हो गई लखा सिधाणा दी, क्योंकि वड्डे पद्धर ते किसानां दा समर्थन हासिल है लखा सिधाणा नूं, या फिर इंज कह लईए कि लखा सिधाणा किसानां नूं समर्थन कर रहे ने, कि लगदा है कि स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है उस वेले? जी जरूर स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। जदों काफला पंजाब दे हद तो पार करके हरियाणा बॉर्डर दे विच पहुंचेगा, हरियाणे दे विच एंटर करेगा, जरूर देखने नूं इह होएगा कि दिल्ली पुलिस की करती है, दिल्ली पुलिस का रुख की रहिंदा गा, क्योंकि दिल्ली दे विच ही केस रजिस्टर किया गया सी तां पंजाब दे विच केस रजिस्टर नहीं किया गया सी, तां पंजाब पुलिस वल्लों कोई भी जिहड़ी है रोक टोक नहीं की गई ते काफिला जरूर रवाना हो चुका है संगरूर तों। संगरूर तों बाद पटियाला पहुंचेगा, पटियाले तो बाद जिहड़ा है अगे जिहड़ा जो सिंघू बॉर्डर पहुंचेगा ते जो हरियाणे के बॉर्डर से पहुंच के एंटर करेगा जरूर उस समय स्थिति देखने वाली होगी कि हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस की एक्शन लेंदी है, क्योंकि काफिला भी बहुत दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली पुलिस जो इहदा मतलब यह है कि सेंटर तो भी कोई आदेश जारी हो सकता है लखा सिधाणा नूं लैके, या दिल्ली सरकार दे वल्लों भी कोई आदेश जारी हो सकता है लखा सिधाणा नूं लैके दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर ते वेट तां नहीं करेगी लखा सिधाणा दा, तां हरियाणा सरकार दे लई कोई आदेश जारी होण दी संभावना है? जी जरूर हरियाणा पुलिस का हुण की एक्शन रहिंदा गा, क्योंकि जेकर किसानां ने ही समर्थन कर दिता गया ते किसान मोर्चे ने ही कह दिता गया कि लखा सिधाणा साडे कोले आवे तां जरूर इह इक चिंता का विशा भी है ते इक देखने वाली स्थिति भी होएगी पंजाब चों निकलण तों बाद लखा सिधाणा ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਜੇਕਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਰਤੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਾਫਿਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 11-12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫਿਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ
स्थिति किस तरह की बनती है कि तनाव पूर्ण बनेगी या फिर लखा सिद्धारण उस तो पहला हरियाणा के अरेस्ट कर लिया जाएगा या फिर दिल्ली एंटर तो पहला उस अरेस्ट कर लिया जाएगा। इससे लगातार सी पंजाब हरियाणा हिमाचल की नजर बनी रहेगी।